सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस आवाज है ठीक है? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस आप क्लास इलेवेंथ में हैं और आप लोगों का एग्जाम आ गया है बिल्कुल सर पे, और आप चाहते हो कि भैया किसी तरीके से वन शॉट में पूरी हॉर्नबिल कंप्लीट हो जाए विथ समरी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वन शॉट में हॉर्नबिल की पूरी बुक। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को पता है, चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और इसके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाओ उसको देखो, पीडीएफ अपने आप डाउनलोड कर लो, इजिली मिल जाएगी, इजिली डाल देना फुल हॉर्नबिल नोट्स, इजिली मिल जाएंगे, जाओ डाउनलोड कर लो। तो सबसे पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, आइए पढ़ते हैं। When the author Khushwant Singh was a little child, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपको चैप्टर ही कंप्लीट नहीं करेगा, आपके आंसर लिखने में भी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। When the author Khushwant Singh was a little child, जब ऑथर खुशवंत सिंह एक छोटा सा बच्चा था, his parents left him in the village with his grandmother and went to live in the city. कि जब खुशवंत सिंह छोटा बच्चा था तो उसके पेरेंट्स जो है उसे छोड़ के चले गए अपनी ग्रैंड मदर के पास, और कहाँ चले गए? शहर में रहने के लिए। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी, ऑथर की ग्रैंड मदर, ऑब्वियस बात है नाम में छुपा है ग्रैंड मदर, तो ओल्ड लेडी तो होंगी ही ना। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी, ऑथर की ग्रैंड मदर एक ओल्ड लेडी थी, सी वॉज वेरी रिलीजियस, याद रखिएगा वो बहुत ज्यादा धार्मिक लड़की थी, औरत थी, सॉरी ग्रैंड मदर थी। आगे द ऑथर शेयर अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद द ग्रैंड मदर, ऑथर ने शेयर किया इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्लोज रिश्ता अपनी ग्रैंड मदर के साथ। द ग्रैंड मदर वो कि मैं देखो मैं आपको बता दूं, पेपर में ना यही तीन स्टेज आते हैं कि ग्रैंड मदर जो थी ऑथर को कैसे उठाया करती थी, कैसे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। तो क्या बोल रखा है? द ग्रैंड मदर वो हिम अप, उसको उठाया करती थी, ड्रेस हिम, ड्रेस किया करती थी, एंड अकॉम्पनीड हिम टू स्कूल, और उसको स्कूल ले जाया करती थी। द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, स्कूल जो था मंदिर से अटैच था। While the author was at school, जब author school में हुआ करता था तो grandmother कहाँ हुआ करती थी? जी हाँ, सही जवाब, temple में हुआ करती थी। The grandmother used to read the scriptures, मतलब क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ की किताबें in the temple। ये word याद कर लीजिएगा, दिव्य सुनो, यही word आपको लिख के आना है। Next, when the author's parents had settled down, जब author के parents settled down हो गए, he and his grandmother also went to the city। कहाँ पहुँच गए वो लोग भी? शहर पहुँच गए। It proved a turning point in the friendship. ये दिखाता है क्या कि एक बहुत ज्यादा turning point आया रिश्ते में। देखते हैं क्या turning point आया, दिव्य सुनो आगे बढ़िएगा। In the city, शहर में खुशवंत सिंह attended an English school. खुशवंत सिंह English school में जाया करता था and traveled in motor bus. मोटर बस में जाया करता था। तो पहला चेंज तो यही आ गया कि पहले वो छोड़ के आया करती थी, अब मोटर बस से जाती है वो। आगे He learned English word. अब English word उसको कुछ नहीं आता। गांव में वो पढ़ता था किताबें, कौन सी धर्म की, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ इंग्लिश की किताबें पढ़ रहा है। आगे the topic of western science, और क्या पढ़ रहा है? western science पढ़ रहा है। इसके साथ साथ और क्या पढ़ रहा है? arts and music, जिस जो grandmother को बिल्कुल पसंद नहीं था। grandmother कहती थी arts and music ये जो है गलत लोगों की निशानी है, ये अच्छे या जेंटल लोग इसको नहीं करते हैं। आगे The grandmother could not longer accompany him to his school. Obviously बात है, ना ही उसे वो कंपनी दे पा रही है, nor help him in studies. अब ना ही स्टडीज में भी हेल्प कर पा रही है। However, they shared a same room. Same room में है अभी भी, जब स्टार्टिंग में सेम रूम मिला था, पर फिर भी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है। आगे When the author start going to university, जब ऑथर ने स्कूल खत्म कर लिया, अब कहाँ जा रहा है? अब जा रहा है वो कॉलेज। He was given a separate room. उसको क्या मिला? उसको एक सेपरेट रूम मिल गया। टीनेज लाइफ है भैया। Thus the last link of their friendship was broken. Last link क्या था? Same room. वो same room भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो देखो कितना turning point आ गया। अब end में क्या होता है? The grandmother kept herself busy in the players. अब भाई सीधी बात है, वो अपनी जिंदगी में busy है, तो grandmother क्या कर रही है? तो grandmother कर रही है prayers, पूजा है, पूजा पाठ कर रही है। क्या बोला क्या है? The grandmother kept herself busy in the prayer and spinning the wheels. कि भैया चरखा काट रही है, स्पिनिंग द व्हील्स मतलब क्या है? चरखा काट रही है और पूजा कर रही है। हर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे वॉज फीडिंग द स्पैरोज, और सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? कौओं को, स्पैरोज को, सॉरी स्पैरोज को जो है खाना खिलाना, फीड करना। अब यहाँ पे एक चीज रखिएगा, गांव में जो थी वो डॉग्स को जो है ब्रेड दिया करती थी, यहाँ स्पैरोज को जो है ब्रेड दिया करती है। आगे
When the author went to abroad for higher studies के लिए जब author abroad चला गया, तब क्या हुआ? The grandmother came to see him off at the station. Grandmother उसको छोड़ने आई थी, but she showed no emotions and he was even sentimental. कि भैया दुख होने के बावजूद भी ना वो खुशी दिखा रही है ना वो दुखी दिखा रही है, कोई इमोशन वो शेयर नहीं कर रही है, बस वो ग्रैंडमदर जो है ऑथर के सर पे किस करती है और छोड़ देती है. आगे द ऑथर केम बैक, जब ऑथर वापस आता है 5 साल बाद, ऑब्वियसली बात है भैया बचपन से लेके ये जवान हो गया है, बचपन से जवान हो चुका है, ग्रैंडमदर अभी भी जिंदा है, बड़ी बात है भाई. तो जब ऑथर 5 साल बाद आता है, ही वॉज रिसीव बाय द ग्रैंडमदर, वो ग्रैंडमदर द्वारा रिसीव्ड होता है एट द स्टेशन. स्टेशन पे वैसे ही मिलती है भाई सब. She was unchanged. भाई कोई चेंज ही नहीं आया. सोचो मैं 5 साल से पढ़ के भी आ गया, दादी माँ वैसी की वैसे ही है. And did not look that day older. मतलब एक दिन भी बूढ़ी दिखाई नहीं दी grandmother. आगे evening, शाम में क्या होता है? The grandmother did not pray. आज पूजा नहीं कर रही है grandmother. अच्छा जी क्या कर रही है? Instead of collecting the women, उन्होंने women को collect किया है अपने पड़ोस के, and celebrating her grandson's homecoming. और घर गाँव मतलब घर में जो है बच्चे का आना celebrate कर रही है. वो नहीं काचा है, बदनाम नहीं कर रही है, वो भगवान के ही गाने गा रही है. आगे द ग्रैंडमदर फेल इल द नेक्स्ट डे, ग्रैंडमदर बीमार पड़ जाती है, उनको पता चल जाता है एंड जो है आ चुका है पास. मतलब समझ सकते हो आप कि ग्रैंडमदर जो है अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए अपनी लाइफ को इतने साल होल्ड करके रखा था उन्होंने. आगे सी स्टॉप टॉकिंग, उन्होंने बात करना बंद कर दिया, एंड क्लोज हर आईज, अपनी आंखें बंद कर ली. सी वॉज लॉस्ट इन हर प्रेयर, वो पूजाओं में व्यस्त थी. And continue the beats of her rosary. वो क्या करती? वो मालाएं जप रही थी. क्या बोल रखा है? रोजरी को वो जप रही थी. आगे सडन द रोजरी फेल डाउन, क्या होता है? माला गिर जाती है. And her lips stop moving. उनकी जो जुबा है जो चल रही थी पेड़ से वो चुप हो जाती है. She was dead. और वो मर जाती है. अब क्या होता है? Thousands of sparrows assembled. कम से कम हजारों स्पैरोज जो है इकट्ठा हो जाते हैं इन द रूम, रूम में, और चुपचाप बैठे रहते हैं टू द मोर हर डेथ, उसकी मौत का मैयत बना रहे हैं वो लोग भी. आगे दे डिड नॉट इवन ईट, वो कुछ भी नहीं खाते हैं. क्रम्स गिवन बाय द ऑथर्स मदर, मतलब बासी रोटी जो दी जाती है वो उसको भी नहीं खाते हैं. आफ्टर द ग्रैंडमदर बॉडी वॉज टेकन, जब ग्रैंडमदर की बॉडी को ले जाया जाता है फ्रॉम द सेरेमेशन, मतलब जलाने के लिए अंतिम उसके लिए, द स्पैरोज फ्यू अवे साइलेंटली, स्पैरोज जो है चुपचाप उड़ जाते हैं. तो ये दिखाता है वो कितना, कितनी प्योर हार्ट था उनका, कितना प्योर सोल था कि मरते वक्त, एक तो उन्होंने अपनी मौत भी डिसाइड कर रखी थी कब मरना है मुझे, और मरते वक्त भी स्पैरोज को, मतलब स्पैरोज ने उनको इतना प्यार दिखाया. आगे बढ़ते हैं बालकू नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. लेट अस वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. आई गेस आपको मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा है, देखो गला खराब है उसके बावजूद भी पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा है. तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. The narrators with his wife married the two children, Jonathan and Suzanne, set sail for Paramount. ठीक है, we are not afraid to die. हाँ, Paramount, England, to the duplicate round world voyage made by the Captain James Cook 200 years ago. ये chapters बहुत लोगों को confusing होता है, डरने का नहीं. अगर आपने मेरी animated video देखी है तो उसमें हर एक line को मैंने animations बना रखा है, बहुत प्यारा. यहाँ भी मैं आपकी वैसी help करने वाला हूँ. आइए देखते हैं क्या चीज़ है ये. ठीक है, यहाँ से देखिएगा. तो क्या बोल रखा है? द नरेटर विथ हिज वाइफ, जो नरेटर है, इन द सेंस इस कहानी के जो नरेटर हैं उन्होंने खुद की ही कहानी लिखी है, खुद का इंसिडेंट लिखा है. तो नरेटर उसकी वाइफ जो है मैरी, उसके दो बच्चे जो है जॉनथन एंड सुजैन. तो जॉनथन एंड सुजैन, तो सुजैन भी लिख सकते हो आप, या एस यू जेड भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सेट सेल ऑफ पैमाउंट इंग्लैंड, वो जो है एक मतलब समुद्री यात्रा कोशिश करते हैं. वो समुद्री यात्रा जो राउंड वर्ल्ड है वो ये इसके द्वारा, वो ये मतलब क्या होता है समुद्री यात्रा, जो किसने किया है, जो जेम्स कुक ने किया था 200 साल पहले, उसी का वो समुद्री यात्रा करने वाले हैं. आगे वेव वॉकर अ प्रोफेशनल बिल्ट बोट, उसने क्यों, वेव वॉकर जो है वो उनकी शिप का नाम, तो उन्होंने नाम दे रखा था वेव वॉकर. तो वेव वॉकर जो था एक बोट थी बहुत बढ़िया, हैड बीन टेस्टेड फॉर द मंथ्स, कई महीने तक जो है रफ वेदर में उसको टेस्ट किया गया. द इनिशियल पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स प्लान जर्नी प्रूव टू बी क्वाइट प्लीजेंट, कि स्टार्टिंग के 3 साल बड़े मजेदार गुजरे. आगे अमेरिकन लेडी विजिल एंड स्विस हब सेगल्स जॉइन डैम एट द कैप टाउन टू द हेल्प डैम टैकल वन ऑफ द मोस्ट रफेस्ट सी द साउथर्न इंडियन ओशन. कि भैया यहाँ पे दो जो लोग हैं जिसे बोलते हैं सो कॉल्ड
सलाहकार या मददगार, ये दो लोग जो है उनको जुड़ जाते हैं क्योंकि रफेस्ट वेदर आने वाला है साउथ इंडियन ओशन का, उसकी हेल्प के लिए। तो कैपटाउन तक अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड से कैपटाउन पूरे नीचे जमीन तक, अगर आपको पता है साउथ अफ्रीका और ये यूरोप, तो इंग्लैंड से लेके कैपटाउन तक का सफर सही था, अब कैपटाउन से लेके इंडियन ओशन जाना है तो ये जो सफर है इसके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। क्या करते हैं भैया वो लोग, द वेदर बिगेन टू डेटोरेट, वेदर क्या हो रहा है धीरे धीरे खराब हो, डेटोरेट मतलब क्या होता है, डेटोरेट इन द सेंस नुकसान, नीचे जाना, तो जो वेदर था वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द क्रू एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड एंड ह्यूज वेव्स, तो भैया जो बंदे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स को और ह्यूज जो है इन सब की हवाओं को झेल रहे हैं वो लोग। आगे एट डॉन ऑन जनवरी 2nd जनवरी को देखते हैं क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उन्होंने क्रिसमस भी वही मनाया है, उन्होंने न्यू ईयर भी वही मनाया है, न्यू ईयर के अगले दिन क्या होता है देखते हैं क्या चीज है। एट डॉन, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है डॉन, डॉन मतलब होता है शाम का समय, अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा, शाम के समय को बोलते हैं डॉन। तो शाम के समय 2 जनवरी को देयर वेवर होता है ना जायंट, तो जायंट मतलब क्या, बहुत बड़े बड़े होने लगे हैं, ठीक है, तो जो वेव है वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। आगे द क्रू मेंबर्स ट्राइड टू स्लो डाउन द बोट, क्रू मेंबर्स ने कोशिश किया कि बोट को स्लो डाउन करें, प्रिपेयर फॉर एन इम्पेंडिंग डिजास्टर, जो इम्पेंडिंग डिजास्टर पता नहीं है कौन सा आने वाला है, लेकिन डिजास्टर के लिए खुद को क्या करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए हम ठीक करेंगे अपने आप को। आगे लेटर इन द इवनिंग, शाम हो जाती है भैया, ठीक है, डॉन इन द सेंस सुबह का सीन, सॉरी डॉन शाम का सीन, सुबह का सीन, ठीक है, और शाम के इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है, द ट्रेम्बलस वेव्स रैक द बोट, कि भैया क्या होता है, एक बहुत ही खतरनाक वेव जो है रैक करती है बोट को, मारती है बोट को, थ्रोइंग द नरेटर इनटू द सी, वो क्या करती है नरेटर को बाहर फेंक देती है। आगे देन ही वॉज टॉस बैक इनटू द बोट, वो दोबारा उसमें आ जाता है, उसके दांत उसके रिब सब टूट जाते हैं। आगे हाउएवर ही वॉज बैडली इंजर्ड, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, कब होता है ये होता है 2 जनवरी की सुबह, सब कुछ ठीक है, हवाएं तेज चल रही है बस, और शाम को सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आगे Realizing that the boat had taken a water in its lower part, उसको realize होता है कि भैया boat के नीचे वाले हिस्से में पानी घुसे जा रहा है। The instructed Mary to take him wheel, कि भैया तू wheel संभाल, मैं नीचे जाके देखता हूँ क्या हो रहा है, बच्चे भी है नीचे। आगे Larry and Herb pump out the water that accumulated in the boat, क्या बोल रखा है कि Larry और Herb जो था pump out कर रहे हैं, in a sense वो पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं उससे, उस मोटर से जो पहले वहां पे फिट थी। आगे द नरेटर मेड सम रिपेयर्स एंड बिगेन वाटर प्रूफिंग ऑफ गैपिंग होल्स, क्या कहना चाह रहा है नरेटर जो है कुछ छोटी मोटी रिपेयर करके जहां जहां गड्ढे हैं वहां वहां पानी को वाटर प्रूफ कर रहा है, इन सेंस पानी ना घुस सके। आगे द फैमिली मैनेज टू सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, 15 घंटे वो लोग लड़ते रहते हैं इस चीज से, बट द नरेटर न्यू दैट वे वॉल्कर वुड नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग, कि अब ये जो वेव वॉल्कर क्या है भैया, हाँ उस बोट का नाम, कि ये वेव वॉल्कर बहुत ज्यादा लंबा अब सह नहीं पाएगा। द नरेटर मेड सम कैलकुलेशन, नरेटर कुछ कैलकुलेशन करता है, एंड फाउंड टू स्मॉल आइलैंड, दो स्मॉल आइलैंड को फाउंड करने की कोशिश करता है और मिल भी जाता है, कौन सा आइलैंड है, यस दैट इज एम्स्टरडैम, वो बोलते हैं इज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में सबसे ब्यूटिफुल आइलैंड है, वो उसको मिल जाता है, दे होप टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, कि वो एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाएगा, क्या नाम है एम्स्टरडैम, ठीक है, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस सून, बहुत जल्दी पहुंच सोचता है कि वो वहां मिलेगा। हाउएवर देयर रिलीफ वाज शॉर्ट लिव्ड, उसको लगता है कि ठीक है अब सब कुछ सही है, क्योंकि सुबह सब कुछ सही हो जाता है, 15 घंटे लड़ने का मतलब क्या है कि रात से लड़ रहे हैं और सुबह तक लड़ रहे हैं, सुबह सब कुछ ठीक होता है लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड के लिए था। द वेदर डेट्रोइंग, दोबारा से वेदर क्या हो गया है, दोबारा से वेदर खराब हो गया है, एंड देयर सिचुएशन बिकम होपलेस अगेन, और सिचुएशन दोबारा से खराब हो गई है। जोथन फियरलेसनेस फिल द नरेटर्स विद द डिटर्मिनेशन एंड करेज टू फाइट द सी, अब जोथन क्या बोलता है कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं, फिर बोलता है डैडी हम लोग मरने से नहीं डरते, अगर हम सब लोग साथ में होते हो तो, वो उसके अंदर क्या भरता है, एक हिम्मत भरता है। आगे फॉर्चुनेटली दे मैनेज टू फिल एम्स्टरडैम, वो पहुंच जाते हैं इवनिंग तक, इट फेल्ट लाइक मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड दे हैड एवर सीन, क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन आइलैंड है जो हमने आज तक देखा है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू। अगर आपने देखा हो तो ये जो चैप्टर है इसकी एनिमेशन सबसे खतरनाक बनाई है मैंने, और इस मतलब इसके एनिमेशन मैंने इजिप्टियन वॉइस भी लगाई है, आई गेस आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाइए हमारी प्लेलिस्ट 11 की, वहां जाके इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं इस पर। टटन खामून और किंग टट डाइड एज अ टीनेजर, फैरो इजिप्ट के राजाओं को बोलते हैं,
फैरो। तो टटनखामून या किंग टट जो है अपने टीनेज की लाइफ में ही फैरो में मर गया था और दफना दिया गया था उसको सोने के साथ। ही वॉज द लास्ट किंग, वो पावरफुल फैमिली का एक आखिरी राज वो था, किंग था जिसने इजिप्ट पे कई सदियों तक राज किया। और किसने? फैरो, उसने टट ने, नहीं नहीं इस पावरफुल फैमिली ने। ऑन द 5th January 2005 5 जनवरी 2005 को अ मम्मीज हैज बाउट आउट ऑफ हिज टॉम्ब, कि भैया मम्मी को बाहर निकाला गया टॉम्ब से। टॉम्ब मतलब क्या है? उस ताबूत से आगे एट अ सिटी स्कैन। किसके लिए निकाला गया था? सिटी स्कैन के लिए निकाला गया था, ठीक है, कि भैया वो क्यों मरा, रीजन जानने के लिए कि भैया आखिरी ये टट मरा कैसे। आगे क्या होता है? मल्टीट्यूड ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम द राउंड ऑफ द वर्ल्ड केम टू विजिट द टॉम्ब टू प्रे देयर रिस्पेक्ट्स। क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि भैया इतनी दूर दूर से लोग आए हैं देखने के लिए, शाम को ठंडी हवाएं चल रही हैं, काले बादल छाए हुए हैं और सब लोग देख रहे हैं कि भैया कैसे मरा, दीवारों को देख रहे हैं, सब कुछ देखा जा रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ। आगे जाही हवास जो सेक्रेटरी है उसका, जनरल ऑफ इजिप्टियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्यूट, सेड दैट मम्मी वॉज वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ द कार्टर डिड टू इट। अब कार्टर ने क्या किया था भैया, आपको बता दें, जाही हवास कहता है कि भैया मम्मी बहुत, मम्मी अपनी वाली मम्मी नहीं है, वो मम्मी है, तो मम्मी जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कार्टर की वजह से। कार्टर ने ऐसा क्या कर दिया, देखते हैं। हावर्ड कार्टर द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, उसने क्या किया था, उसी ने डिस्कवर किया था किंग के टॉम को इन द 1922, ठीक है, और उसको ढूंढने की वजह से। आगे कार्टर फेस डिफिकल्टी, अब कार्टर को क्या लगा, कार्टर को बड़ी डिफिकल्टी लगी उसको एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है, मम्मी को कॉफिन से निकालने में। तो क्या करता है वो क्या, क्यों ऐसा होता है? तो बेसिकली वो जो लोहे का है ना और सोने का लगा तो पूरी बॉडी और ताबूत भी था, तो उससे जम जाता है उस सदियों में, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो वो क्या करता है, सीमेंटिंग हो जाती है उसकी मम्मी को और बॉटम ऑफ द गोल्ड कॉफिन से बड़ा मुश्किल उसको निकालना। सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे पहले उसे धूप में रख देता है, शायद पिघल के निकल जाए, कुछ नहीं होता। हावर्ड कार्टर ट्राई टू लूज द वही चीज, क्या रीजन, उस चीज को चिपकने को जो है उसको निकालना चाह रहा है वो अंडर द सनलाइट के अंदर, बट इन वेन, पर सब कुछ खाली होता है। वेन मतलब क्या है, खाली हो जाना। हिज मैनस्टर्स रिमूव द मम्मीज हेड एंड कट ऑफ द नियर एवरी मेजर जॉइंट, ठीक है, बिफोर रिसेंबलिंग इट। क्या करता है फिर वो निकालने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ छोड़ देंगे चोरी हो जाएगा, तो हर एक जॉइंट को तोड़ता है ताकि उसको रिसेंबल दोबारा कर लेंगे, पर फिलहाल तो भैया हमें जॉइंट मतलब क्या है, हाथ की जॉइंट नहीं बोलना चाह रहा, जहां जहां वो जॉइंट है, जहां जहां वो चिपका है, उस सब पार्ट को वो तोड़ता है। आगे इन 1968 द एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स रेड द मम्मी एंड रिलीव दैट स्टार्टलिंग फैक्ट। क्या होता है भैया कि एक 1968 में एक एक्सरे होता है जहां पे एक चौंका देने वाली बात होती है, क्या ही क्लेम डैट, वो क्लेम करता है जो ब्रेस्ट बोन है जो आगे की छाती है वो तो है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि इसको चाकू मार के या इसकी हत्या की गई हो तभी मरा है ये। आगे अब बात करते हैं टटनखामून की फैमिली के बारे में। अमनहोटेप III किंग्स टट फादर और ग्रैंडफादर, वो पापा थे या ग्रैंडफादर थे पता नहीं है, वॉज द पावरफुल किंग, एक बहुत पावरफुल किंग थे। उसके बाद अमनहोटेप IV है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एथन मतलब क्या है, सन ऑफ गॉड, उन्होंने एथन की पूजा स्टार्ट कर दी। आगे और द सन ऑफ डिस्क एंड द चेंज ऑफ द नेम ऑफ अखेंटन, देखो अमनहोटेप से अपना नाम क्या चेंज कर लिया, अखेंटन। अखेंटन का मतलब क्या होता है, सूरज का दास, ठीक है, एंड मेड सम अदर चेंजेस, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी मूर्तियां तोड़ दी और सिर्फ आर्टेन की, वो अखेंटन ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सूरज भगवान की मूर्तियां लगा दी। आगे किंग्स टट मम्मी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड, किंग की मम्मी जो है, मतलब किंग की मम्मी इन द सेंस किंग टट की जो बॉडी है उसको सबसे पहले स्कैन किया गया था। द सिटी स्कैन सो अ ग्रे हेड नेक वेट ब्रेन अ हैंड सर्वल इमेजेस ऑफ द रिब केज एंड अ सेक्शन ऑफ द स्कल, कि भैया इन सब चीजों का स्कैन किया गया, कुल मिला के कहना चाह रहा है। आगे जाई आवाज द रिलीव टू फाइंड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियस रॉन्ग विद द मम्मी, फिर जाही आवाज को सुकून मिला कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मतलब जो कार्टर था उसने मम्मी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। आफ्टर देयर ऑब्जर्वेशन दे लेफ्ट द विंड हैज स्टॉप्ड, कि भी ऑब्जर्वेशन के बाद वो हवाएं रुक गई थी। आगे दे वॉज कंप्लीट साइलेंस, सब कुछ शांत हो गया था, और जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ किंग स्टट टॉम स्टूड ओरियन एंड द कंसल्टेशन वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, कि भैया सब लोग जो है उसकी बॉडी को ही देख रहे थे, उस बॉय किंग को ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसकी जिंदगी उसकी लाइफ कैसी रही होगी, और उसके बाद खत्म। जी हाँ, इतना आसान था। अब बस लास्ट 3 चैप्टर बचे हुए हैं, एडवेंचर चैप्टर की बात कर लेते हैं बालको। एडवेंचर चैप्टर मुझे सबसे प्यारा चैप्टर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको भी लगता होगा, आपने इसकी एनिमेशन देखी होगी मेरी, बड़ी प्यारी एनिमेशन बनाई है मैंने। हाँ जी, प्रोफेसर गाय टोंडे हैज अ कोलिजन विद द ट्रक,
प्रोफेसर गाइडोनेज का जो है ट्रक के साथ एक टकराव हो जाती है। एट अ टाइम ही वॉज थिंकिंग, उस समय सोचे थे एक कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में। कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या होती है? जहां पे हम हिस्ट्री को चेंज करके देखते हैं और उसके इम्पैक्ट देखते हैं, क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है उससे। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अनदर बॉम्बे, वो अपने आप को देखते हैं किसी और बॉम्बे में। विच ही लुक मोर लाइक इंग्लैंड, वो एक तरीके से इंग्लैंड लग रहा है। इट वॉज मस्ट क्लियर एंड हैड मैनी बिग इंग्लिश शॉप्स, वो साफ है, बिल्कुल साफ सुथरा है बॉम्बे और वहाँ पे इंग्लिश दुकानें ज़्यादा हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फर्निशिंग देयर, वहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी फल फूल रही है। इन दिस बॉम्बे, इस बॉम्बे में ही वेंट टू द एसेंटिक सोसाइटी लाइब्रेरी इन द टाउन हॉल, वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं टू रीड द सेम सम हिस्ट्री बुक्स, कुछ हिस्ट्री किताब पढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग द वन ऑफ दिस हिमसेल्फ रिटन, और खुद की भी किताब पढ़ते हैं वो वहाँ पे जाके। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री वॉज ही न्यू इट इन द वर्ल्ड, वो वही हिस्ट्री जानते हैं, मतलब वही हिस्ट्री वहाँ भी मिलती है जो उन्होंने पढ़ी है। बट द पॉइंट वेयर द हिस्ट्री हैड चेंज, पर जहाँ से हिस्ट्री बदली वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई है। इन द डिफरेंट वर्ल्ड, जो नया वर्ल्ड है, मराठा जीत जाते हैं इस बैटल में और रियलिटी में मराठास हार जाते हैं, वो उनको मिलता है उस किताब में। आगे तुम्हें लगेगा भाई तो बड़ा लग रहा है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। द मराठास डिड नॉट अलाउ ईस्ट इंडिया कंपनी टू एक्सपेंड हिज इट्स इन्फ्लुएंस इन द इंडिया, मराठास ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सटेंड होने से रोक लिया। इनफैक्ट इट्स इन्फ्लुएंस वॉज लिमिटेड, उनके इन्फ्लुएंस बिल्कुल लिमिटेड थे, जैसे बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में। इंडिया हैड बिकम अ डेमोक्रेसी, इंडिया के पास डेमोक्रेसी है, बट अलाउड ब्रिटिश टू कैरी ऑन इट्स बॉम्बे फॉर कमर्शियल रीजन, और लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि ठीक है तुम कमर्शियल रीजन के लिए यहाँ पर रह सकते हो। गायटोंडे वॉन्टेड टू फाइंड आउट हाउ मराठास हैड वॉन द बैटल, फिर गायटोंडे को चुल हो गई कि भैया आखिर मराठा जीते कैसे। अकॉर्डिंग टू वन हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री बुक एक किताब में उनको क्या मिलता है, द मराठास आर्मी मोरल वाज बूस्टेड व्हेन द विश्वास राव मैनेज्ड टू एस्केप दैट नॉर्ली, क्या बोल रखा है कि गोली जो है बहुत प्यार से उसको छू के निकल जाती है, इस तरीके से जो है उनका, किसका, मराठाओं की आर्मी का मनोबल जो है बूस्ट हो जाता है। आगे आफ्टर लिविंग द लाइब्रेरी इन द इवनिंग, जब वो लाइब्रेरी से जा रहे थे, ही वेंट टू अ स्टोर ऑफ आजाद मैदान, वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो अपने आप को आजाद मैदान में एक मूवमेंट में बैठे हुए देख लेते हैं अपने आप को। देयर वाज अ लेक्चर गोइंग ऑन, वहाँ पे एक लेक्चर चल रहा था, व्हेन गायटोंडे सॉ अ वेकेंट प्रेसिडेंशियल चेयर, वो क्या देखते हैं कि स्टेज पे प्रेसिडेंशियल चेयर खाली है। ही वेंट, चूल्हे भाई इस बंदे में, वो घुस जाता है वहाँ, कह रहे आओ बैठ के देखते हैं कितना मजा आने वाला है। ही वेंट, वो जाता है एंड सेट ऑन इट, और चुपचाप बैठ जाता है। Thinking that it was for him, कि तो मेरे लिए ही बना था। आगे because in the real world में उसको invite किया गया था इसी प्रकार के seminar में, but क्या होता है is this world, यहाँ पे people were fed up the long speeches and had abolished the chairing custom, क्या हो रखा है इस दुनिया में, presidential chair को खाली छोड़ रखा है कि यहाँ पे सिर्फ हम speech देंगे, कोई president वेजिडेंट नहीं होगा। आगे दे गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं कि गायटोंडे जो है वहाँ पे बोलना चुप नहीं करता है। दे थ्रो वेरियस थिंग्स, उसके ऊपर समाज फेंकते हैं, टमाटर वमाटर सब कुछ फेंक देते हैं, उसके बाद स्टोर से उसको बाहर, मतलब स्टेज से जो है उसको बाहर भी निकाल लेते हैं। बट सडनली गायटोंडे वैनिश, बट सडनली क्या होता है, गायटोंडे गायब हो जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, अपनी रियल दुनिया में। ही वॉज फाउंड इन द आजाद मैदान इन इज द फेमिलियर वर्ल्ड वेयर ही हैड बीन टू डेज। ही वेंट बैक टू पुणे, वो पुणे जाता है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र देश पांडे से मिलता है, टू प्रूव दैट ही हैड बीन समवेयर एल्स, कि वो कहीं और ही गया था, एंड नथिंग इमेजिनेशन थिंग, और ये इमेजिनेशन चीज नहीं है। इट वॉज द टर्न ऑफ पेज, उसके पास एक फटी हुई किताब का पन्ना था, हिस्ट्री बुक का, जो उस दुनिया की थी, अबाउट विश्वास राव एस्केपिंग डेट, जहां से विश्वास राव जो है मतलब भागते भागते मतलब मरने से बचे जाते हैं। आगे इन द बुक हिज ऑन वर्ल्ड, इस दुनिया में वहां पर दिखाते हैं कि भैया विश्वास राव जो है गोली से मर जाता है। सो इन अवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में मराठास जो है जीत नहीं पाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बढ़ जाती है, और उसके बाद तुम्हें पता ही है सब क्या होता है, लेकिन उस दुनिया में अलग होता है। डिस्कशन के बाद प्रोफेसर गायटोंडे और राजेंद्र देशपांडे केम टू एन कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पर निकलते हैं, दैट देयर कुड बी मेड अ डिफरेंट वर्ल्ड एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, कि बहुत सारे वर्ल्ड बहुत सारे पॉइंट ऑफ टाइम पे मौजूद हैं, दे कुड ऑल हैव अ डिफरेंट हिस्ट्री, सबकी अपने अपने इतिहास है। प्रोफेसर गायटोंडे हैड बीन अनदर वर्ल्ड, प्रोफेसर गायटोंडे किसी और पैरेलल वर्ल्ड में गए होंगे, द टाइम वॉज द प्रेजेंट, टाइम जो था आज का था, बट हिस्ट्री जो था किसी और चीज का था, यही बात है भैया।
अब बस खत्म, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज सिल्क रोड। द ऑथर लेफ्ट राबू विद द गिफ्टेड लॉन्ग स्लीव्स सीप के स्किन कोट अकम्पनीड बाय डैनियल एंड जिस। इसमें पी साइलेंट है तो इसको जेथन जेसन या जेसन या तेसन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो भैया जो राव है वो, सॉरी ऑथर जो है वो राबू को छोड़ के जाता है, उसको एक गिफ्ट मिलता है फरकाइट कोट, ठीक है जी, डैनियल और जेतन के द्वारा। जेतन सेड दैट द जर्नी वुड बी स्मूथ इफ देयर वर नो स्नो ऑन द वे। कि भैया जेतन कहता है कि भैया रास्ता सही होगा अगर बर्फ ना पड़े, बर्फ पड़ेगी तो ऑब्वियस बात है गाड़ी फिसल जाएगी, गिर जाएगी। एज दे पास बाय द हिल्स, जैसे वो हिल्स पास करते हैं, दे कुड सी द लोनली डॉग बैस लुकिंग आफ्टर देयर हेड। क्या बोल रखा है कि भैया बहुत खुले मैदान है और ऊबड़ खाबड़ मैदान है, सब कुछ जो है बहुत अलग है, मतलब इन द सेंस जो नॉर्मल लाइफ है हिल्स पार करने के बाद अलग चीजें दिख रही हैं, बर्फ भी है पत्थर भी है। एज दे पास द डोकबा टेंट, जब वो डोकबा टेंट को पार करते हैं, देयर गार्ड डॉग्स विच वर तिब्बतियन मेस्पिल चेज द कार ऑफ सम डिस्टेंस। कि कुत्ते वहां पे, सब जो कुत्ते जानवर होते हैं वो गाड़ी का पीछा करते हैं कुछ दूरी तक। आगे सून द टर्न्स बैक शार्प एंड बम्पर एज द क्रिंक, क्या हो रखा है कि रास्ते अब तिरछे हो गए बहुत ज्यादा, ठीक है, बम्पर में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं। द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फॉल ऑफ स्नोस ब्लॉक देयर वे अ नंबर ऑफ टाइम्स। अब भैया कहीं बर्फ पड़ी हुई है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, तो बहुत बार जो है उनको रास्ता बीच में रुक जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ द पास, जब सब कुछ पास कर लेते हैं, वो सारे रास्ते को निकल जाते हैं, टॉप पे पहुंच जाते हैं, दे वेंट डाउन टू रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। वो कहां पहुंचते हैं, वो एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं, उसका नाम क्या, उसका नाम है होर। ऑल द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, जो कहां है वो है ऑन द शोर, शोर इन द सेंस किनारा, जो मानसरोवर के किनारे पे है। बाई लेट आफ्टरनून, शाम के टाइम पहुंचते हैं, इट वॉज ग्रिम मिसरेबल प्लेस, वो बहुत गंदा बहुत मिसरेबल प्लेस है, क्या होर, विदाउट एनी वेजिटेशन, कोई सब्जियां नहीं है, कोई वेजिटेबल्स नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है। इट ओनली हैड अ लॉट ऑफ अकुमुलेट रबिश डस्ट एंड रॉक, क्या सिर्फ रबिश है, डस्ट है और पहाड़ है। डैनियल वेंट बैक टू लासा, डैनियल कहाँ जाता है, लासा पहुंच जाता है फ्रॉम देयर। डैनियल कौन था, उसके साथ जो गया था। आगे देयर रिपेयर द पंचर, वो पंचर टायर को रिपेयर करता है। कैरी ऑन दे रीच डर्चन, कहाँ पहुंचते हैं वो, फिर पहुंचते हैं डर्चन 10:30 बजे शाम को, और गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं। डॉटर हैड अ वेरी ट्रबल नाइट बिकॉज द ऑफ द कोल्ड, उसका सर जो है डर्चन में बहुत ज्यादा दुख जाता है, सुबह जो है डर्चन मेडिकल कॉलेज जाता है, वो दवाई लेता है उसकी, ठीक है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जेसन टुक हिम टू कंसल्ट अ डॉक्टर ऑफ डर्चन मेडिकल कॉलेज, उसको ले जाता है डर्चन मेडिकल कॉलेज। आगे द डॉक्टर गिव हिम मेडिसिन, डॉक्टर से मेडिसिन देता है, और रात को जो है वो अच्छे से सो पाता है। अगले दिन जेसन लेफ्ट द ऑथर, अब जो जेसन था वो भी जो है उसको ऑथर को छोड़ देता है डर्चन में, और चला जाता है दोबारा अपने कार को लेके लासा। तो दर्शन क्या था, एक ड्राइवर ही तो था, चला गया भाई छोड़ के। एज द प्रिग्रिम सीजन, अब भैया ये तीर्थ यात्रा का सीजन जो है हैड नॉट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है तीर्थ यात्रा का सीजन, तो तीर्थ यात्रा का सीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। द ऑथर फेल्ट लॉनली, ऑथर को अकेला फील होता है, ही वॉज लुकिंग फॉर समवन, कि कोई तो मिले जिससे वो बात करे उसकी, क्योंकि उसको इंग्लिश आती थी और किसी को वहां पे कोरा में इंग्लिश नहीं आती थी। आगे देन ही मेट नोरबू, कौन मिलता है फिर से, उसे मिलता है नोरबू, तिब्बतियन है, उसको इंग्लिश आती थी और वो वहां पे माउंट कैलाश कोराब की यात्रा करना चाहता था। बहुत देम डिसाइडेड टू गो टुगेदर, उस दोनों सोचते हैं कि जाएंगे, पर मैं आपको बता दूं वो दोनों जा नहीं पाते, जी हाँ वो दोनों नहीं जा पाते। इसके बाद क्या है, इसके बाद भैया आ गया ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या है, थैंक यू सो मच, जी हाँ थैंक यू सो मच, यही था आपके सारे चैप्टर्स। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके इस वीडियो पे व्यूज अच्छे आए तो मैं आप लोगों की स्नैपशॉट की भी वीडियो डाल दूंगा, तब तक के लिए प्यार दिखाते रहिएगा, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय बाय।